सत श्री अकाल दोस्तों, मैं संजीव सेतिया, लेखक नरोई सेत। आपां पिछली वीडियो च गल कीती है कि नरोई सेत है जिहड़ी, इह सिर्फ मतलब शरीरक सेहत नाल काम नहीं करती, इह होर लाइफ दे आस्पेक्ट्स नूं भी टच करती है, उन्हां नूं भी इह कवर अप करन लई वचनबद्ध। तो इहदे विच आपां गल करदे हां घरां दी ते दूसरे वास्तु दी। शायद इस गल नूं 10-12 साल ज़्यादा हो गए होने या इस तो ज़्यादा टाइम हो गया होना, 10-12 साल तो जो तो वास्तु वाले साढ़े वो पूरे सिस्टम च छाए है भी घर है जी वास्तु दे अकॉर्डिंग ही बनना चाहिए है, दीवार इधर होनी चाहिए है, उच्ची होनी चाहिए है, नीवी होनी चाहिए है, बिजली का मीटर इत्थे लाउणा है। तो वो रिगार्डिंग मेरे मैं जो अपना घर बनाउणा सी 2007 दे विच, मतलब एक गल हो गई 20 साल पुरानी हो गई वास्तु, जो साढ़े 2007 च मैं पहला घर आप बनाया। तो वह वास्तु वालों के नाल मेरा वाह पिया, मैं बना लिया। मैं बनाने तो बाद मैं सारे कहते नहीं तू वास्तु करा, तू एडा वड्डा घर बना लगे, कल नूं कोई गल होगी वेचना होया या मान लो ना इहदा ध्यान करिया तो लोग इतराज करनगे, आके वेखणगे एवें। सौ गल्लां लोगों ने सुनिया तो मैं एक दो वास्तु वाले नाल संपर्क किया, वह कुदरती साडे फ्रेंड सर्कल चों ही सीगे, डिपार्टमेंट नाल लिंकड सी, तो उन्होंने मतलब जो कुछ किया। तो फिर मैं उन्होंने किताबा एक दो किताबा लेके पढ़िया तो मेरा अपना जिहड़ा माइंड सैटअप सी वो बदल गया वास्तु। तो मैं अज ये कहना कि जिहड़ा वास्तु शास्त्र उदों लिखा गया सी वह अज साडे ते एप्लीकेबल नहीं है। हो सकता वास्तु शास्त्रियों नूं मेरी गल चंगी ना लगे, जिवें बहुते वैदां नूं मेरियां गल्लां चंगीआं नहीं लगदियां ते वह वास्तु शास्त्रियों नूं भी चंगे ना लगन, पर इहदे ते मैं आर्टिकल्स भी लिखे हुए आ ऑलरेडी और हुण आपां इहदे सांझी करदे हां। ज़्यादा लंबी नहीं कर पावांगे पर मतलब जिन्नी कु गल होएगी वो तुहानूं वास्तु दे और साडे घर किदां दे होने चाहीदे आ इहदे बाबत मैं जानकारी दे पाऊँगा। वास्तु शास्त्र के मुताबिक जी कहिंदे उत्तर दिशा का घर बहुत वधिया होंदा, मेरे मुताबिक सब तो माड़ा घर होंदा। हुण मैं उन्होंने उल्ट बोल रहा क्योंकि मैं सारे काम ही दुनिया तो उल्ट करदा। सारी दुनिया कहती है जी घट खाओ, आपां कहिंदे ज़्यादा खाओ। सारी दुनिया कहती है जी रोटी पतली कर लो डाइजस्ट हो जूगी, मैं कहना मोटी कर लो तो डाइजस्ट हो जूगी। तो उवें मैं ये कहना कि जिहड़ा नॉर्थ साइड का घर है सब तो बेकार है, सब तो बेकार डायरैक्शन है घर का दरवाजा रखने लई। उहदा कारण यह है कि जदों असीं उत्तर दिशा वल घर दरवाजा रख लिया तो एक किनारे वाले घर नूं छोड़ के कॉर्नर वाले नूं छड़ के बाकी सारे घर का जिहड़ा डायरैक्शनस ने वह फिक्स हो गई। ना तो उन्होंने पूर्व की, क्योंकि पूर्व च भी घर बने होएगा पछम च भी घर बने होएगा, एक उन्होंने पूर्व चो तो वह सूरज की जिहड़ी रोशनी है तुहाडे घर के अंदर सारे कमरों के पैंदी रहेगी तो वह घर गर्म होंदे जाएंगे। तो जिहड़ा ज़्यादा गर्मी च औरत रहेगी तो बीमार रहेगी, इस कारण किताब च लिखा उन्होंने वहम बनाता। बेसिकली एक परफेक्ट साइंस है जिहड़ी अपने वातावरण की साइंस उन्होंने उत्थे लिखा। एवें हुण उहदे चो पाइपां दा सिस्टम है भी बाथरूम की पाइप इधरों कढ़नी है, किचन की पाइप इधरों कढ़नी है, फलाना एवें करना फलाना एवें करना, चुल्हा इत्थे रखना जी। मेरे एक मित्र ने जगदीप राहल जगराओं तो घर बना रहे सी ते उह वास्तु शास्त्री ने कहता जी उन्होंने भी तुसीं जी आ पाइप इधरों ऐ लैके जानी है बाथरूम की। वह मैनू फोन आया कहिंदा यार संजीव कहिंदा एवें कहिंदे आ ते मैं तां जिहड़ा सैप्टिक टैंक है दूसरे पासे बना रखे पाइप ए दूजे पासे ले जाई जांदा तो मैनू वहम भी आई जांदा भी जे मैं इहदा कहना ना मन्निया तो पता नहीं की नुकसान हो जू। तो मैं उहनूं समझाया, मैं कहा जिहड़ा वास्तु शास्त्र दे विच जिहड़ा उह लिखिया सी भी पाइपां इदां इदां मूव करनगियां, वह इस कारण सी भी वह लोग चाहते सी भी पानी का वहाव एक डायरेक्शन च रहे वेस्ट पानी का, और वेस्ट पानी जिहड़ा है साडे पोर्टेबल वाटर दे नाल मिक्स ना हो। तो वह जिवें एक जनरल प्रिंसीपल उन्होंने क्रिएट करता हर किसी लई भी तुसीं बाथरूम की पाइप इस डायरेक्शन चो बाहर कढोंगे, वेस्ट पानी इस डायरेक्शन चो बाहर कढोंगे। वो वाटर रिसोर्सिज नूं बचाउण लई सी, बेसिक साइंस सी। हुण इत्थे मैं कहा तेरे वाले मामले तो वाटर रिसोर्सिज है ही नहीं भी तू तो आपदा घर बनाई जाना खेतों के पानी ले जाना सैप्टिक टैंक के ते तेरा की रिलेशन रह गया वो वाटर सप्लाई नाल। उहदे गल समझ आई बड़ा हसया तो उन्हें वह पाइप उवें सैप्टिक टैंक नाल लगाती। मैंने पुछता कहिंदा जे मेरा वह ना मन्निया वास्तु वाला तो मैं कहा तैनूं परवाह करन दी लोड़ नहीं, उहनूं कहीं टिंड फोड़ी चक जिहड़ा कोई नुकसान होगा असीं आपे चल लांगे। तो ये चीज़ां ने वास्तु शास्त्र के रिगार्डिंग जिहड़ियां
ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਵਧੀਆ ਸਾਇੰਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਈਪ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਫੀਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੈਟਅਪ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।